ठीक रहेगा। जो आदमी अपने भाई से नहीं बोलता उससे बड़ा भिखारी इस धरती पे कोई नहीं है महाराज, ध्यान रखना। बहुत कड़वा लगेगा, बहुत कड़वा लगेगा। जो आप सगा भाई नहीं बोले उन मोटो भिखारी दुनिया में, हम तो उसको इंटरनेशनल भिखारी मानते हैं। और भाई की परिभाषा समझाता हूं। कल एक काम करना, अच्छी सब्जी बनाना मनपसंद, काजू डालना, द्राक्ष डालना, जो डालना दुनिया की महंगी से महंगी चीज उसमें डाल देना, पर एक चीज मत डालना, नमक मत डालना उसमें, पचे खाई जाओ, खावी जाई। दुनिया ने सारी चीजों डाल दी फिर नमक नहीं डाला, वो नमक कौन है? वो है आपका भाई। आप कितो ही बड़ो फंक्शन कर दियो, पूरा गांव ने जमाई दिया, 5 करोड़ रो मायरो भर दियो, कुछ भी कर दियो, कई तो ही मोटो ब्याह कर दियो, मोटा टेंट लगाए दिया, ओ कर दियो, खर्चो कर दियो, पर उन फंक्शन में आप रो भाई नहीं आयो, वो फंक्शन अलूणो हो गयो महाराज, अलूणो। वो ध्यान रख जो भाई की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सके, पर कई मोटा मोटा डीलर बैठा जो आप हगा भाई नहीं बोले। अरे भगवान वाह भाई, कहीं मिनक बने सांवरो तने। अब दूसरे नंबर, सबसे बड़ा पापी कौन है? उससे बड़ा पापी कोई नहीं है, बता दूं। अब वो कटी जीवन वास्ते जाओ के यूं लागे जाने अपने हिड़क्यो हुई जोड़ो है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आदमी रे दिमाग में खोपड़ी में आई रे थालियां कटे पड़ी है, दूजी क्यों नहीं थाली ले महाराज? फरज क्या बनता, पहले जिमाओ पछे जिमो। आप एक काम करना, सेवा का भाव अगर सीखना है तो एक बार सिख गुरुद्वारे के दर्शन कर लेना। सिख गुरुद्वारा होता ना, उनके दर्शन कर लेना, आपको सेवा का पता चल जाएगा। महाराज एक आदमी उस पार्टी है, कम से कम 20,000 करोड़ की पार्टी, वो आदमी डेली गुरुद्वारे में जाता है और 1 घंटे तक यात्रियों के जूतों को पॉलिश करके फिर अपनी ऑफिस जाता महाराज, डेली पर डे। अरे भगवान वाह, सेवा ही ने कहवे। अन अपन जूता उठाऊ क्यों रहे ने, तो लात मेल दो महाराज के, मैं क्यों उठाऊ कि ना जूता? हिम्मत है इतनी, कर सकते हो किसको जूतों की पॉलिश? नहीं होगी, क्योंकि माइलो मरे तो सेवा रेवे नहीं, तो आज रेवे ने कोई काल रेवे नहीं रेवे महाराज, सेवा तो वो माइलो मरे तो रेवे। तो महाराज पहले जिमाओ, कहीं पे भी जाओ, फंक्शन में जाओ, कहीं पे भी जाओ, पहले जिमाओ पछे जिमो। 10 आदमी ने पहला जिमाना, 11 आदमी ने, 11 आदमी ने पानी पावनो, 11 आदमी ने झूठी प्लेटो लेन उठावनी और पछे जिमणो, तो मिनक पणो महाराज, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब तो जाओ तो इन थाली लेन बैठो, पछे कहीं कहीं मिर्ची वड़ो, रसगुल्लो, दाल बड़ा, हीरो बंदो मना नहीं करे। सबसे बड़ी साइकोलॉजी क्या हमारे दिमाग की, कि वो रसगुल्ला वालों पासो नहीं आयो तो, ये सबसे बड़ी है प्रॉब्लम है हमारी। रसगुल्ला वालों पासो नहीं आयो तो कहीं करी खाई एक ने मेलाई पौस, अब मुंडे आई को भावी को नहीं, कहीं करी थाली माते थाली मेले चलू कर हड्डी बारा रोवे कौन बनाऊ वालों। ए महापुरुष जो आपरे स्वागत में बेचारो पैया खर्च करिया, आपरे वास्ते मिठाई बनाई, आपरे वास्ते दही लाया, आपरे वास्ते छास लाया, आपरे वास्ते पकवान बनाया, उन्हें जूटो छोड़ने रो मन किकर भावे थोरो। इसका मतलब आप उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए वहां पे आयो, आपके मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है कि तू कितो ही बना दे, पर मोह तो डोंडा रे डोंडा जो को डोंडा ही रहो, मिनक शाहिदी बनो। ए महाराज मत छोड़ो जूटा, जूटा छोड़ने वाला उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है। ये जूटा छोड़े जो अगले जन्म कहीं बने, बता दूं, बता दो नाड़िया मुंडो कौन रगड़े हो? हाँ बस ठापड़ी नाम तो नहीं लू मैं, अपन होच लीजो। अब सोगन खा लो आज रे बाद में कौन कौन झूठा नहीं छोड़ेला, पक्की बात है। थान राम जी बोलो करेला झूठो मत छोड़ जो, थाने भगवान बोलो करी भाई भावे जी तो 10 बार मांग लो ना, क्या शरम है महाराज? 20 बार मांग लो कौन सी शरम है? झूठा मत छोड़ो, अगले का अपमान करके मत आओ, क्योंकि वो बड़ो प्रेम हो आपरे वास्ते प्रसाद बनायो महाराज। और तीसरे नंबर, इस दुनिया में सबसे बड़ा राक्षस कौन है? उसको कहते ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस की परिभाषा समझते हो? जो 3.5 करोड़ जीवों को मार के खा जाता है उसको ब्रह्म राक्षस की
उपाधि मिलती, पद मिलता है, वो राक्षस कौन है बता सकते हो आप? बता दूं अब क्या रो पाई हो तो आगलो ही पाई लू भेड़ो भेड़ो, नाराज मत रहिजो, तमें थोड़े जीव दौड़ी दे पक्की रही। सबसे बड़ा राक्षस इस दुनिया के अंदर वो है जो आपरी बेटी रा पैया लेवे, उनो मोटो धरती माते उनो बड़ो राक्षस दुनिया में कोई नहीं वे सके महाराज। उन आदमी रो मुंडो देखियोड़ो खोटो महाराज ध्यान रख जो, अगर उन भूल में ही वो मुंडो दिख गो तो नरक लोक में जगह नहीं मिलेगा। उन आदमी रो मुंडो मत देख जो महाराज, कटे वो लेवे पैया अने थोड़े ढापड़ जागो पैया लेन बचे भोजन बनायो बटे जाइजो जरूर पर झूठ बोल जाइजो कहीं के जो भाई।